अगर आप गूगल में सर्च करते हैं बेस्ट एनर्जी स्टॉक या बेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स, तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ पाइपैसा का, आपको यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, जैसे कि अडानी ग्रीन एनर्जी, ONGC, NSE, बहुत सारी कंपनीज। लेकिन अगर आप इन कंपनीज का साइज देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इन कंपनीज का साइज बहुत ज्यादा है, जिसमें देखो कि आप ONGC तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, अडानी ग्रीन ऑलमोस्ट 2.5 लाख का कैपिटलाइजेशन, रिलायंस 16.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। और कंपनीज को भी एड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि ONGC हो गया, गेल हो गया, IOC हो गया, ऐसी बहुत सारी कंपनीज। क्या आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये कंपनीज आपको फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न देंगी? द आंसर इज नो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी इतनी बड़ी कंपनीज है जहाँ से आपको इतने ज्यादा रिटर्न मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है। और इतने ज्यादा रिटर्न, कौन से ज्यादा रिटर्न की हम बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपने किसी भी कंपनी में, किसी भी शेयर में अगर आपने 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट किए हैं, आप चाहते हो कि आपके ये 10,000 रुपए क्या हो जाए तकरीबन 1 लाख या 1 करोड़ रुपए, तो ये सारा का सारा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आप ऐसे स्टॉक्स को बाय करेंगे जिनका कैपिटलाइजेशन बहुत कम हो, जिनकी फ्यूचर डिमांड ज्यादा हो और जिनका करंट शेयर प्राइस काफी कम हो, जिनमें पोटेंशियल हो फ्यूचर में मल्टीबैगर बनने का, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, अडानी ग्रीन है और ONGC है, इस तरह की। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि कौन से हैं वो शेयर, तो इसके लिए हमें जाना पड़ता है पेनी स्टॉक की साइड, जिसमें हमें पेनी स्टॉक बाय करने होते हैं। अगर मैं जैसे कुछ पेनी स्टॉक आपके साथ डिस्कस करूं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड, जिसका करंट शेयर प्राइस टाइम पे ट्रेड हो रहा है 111 रुपीज के आसपास पे। साथ ही में आप देखोगे यहाँ पे तरनी इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसका करंट शेयर प्राइस टाइम पे ट्रेड हो रहा है 8 रुपीज के आसपास। SRM एनर्जी, जिसका करंट शेयर प्राइस टाइम पे ट्रेड हो रहा है 11 रुपीज का। और साथ ही में आप देखोगे यहाँ पे उजास एनर्जी लिमिटेड, जिसका करंट शेयर प्राइस टाइम पे ट्रेड हो रहा है 2 रुपए के आसपास में। अब सवाल ये आता है कि मैंने यहाँ पे कुछ नाम बता दिए, तो क्या मैं इन शेयरों को खरीद लूँ? द आंसर इज नो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आप समझिए। देखो, ऐसे शेयरों में ना हमारे रिस्क के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि ऐसे शेयरों को जो ऑपरेटर्स होते हैं वो बहुत ही ईजिली तरीके से ऑपरेट कर पाते हैं, मैनिपुलेट कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज उनका करंट शेयर प्राइस और उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखते हुए। जैसे इसे एग्जाम्पल किससे समझते हैं, जैसे कि ऊर्जा ग्लोबल है। आप देखेंगे ऊर्जा ग्लोबल का आपको चार्ट देखने को मिल रहा है। ऊर्जा ग्लोबल का शेयर प्राइस दिसंबर 2018 से लेके दिसंबर 2021 तक ट्रेड हो रहा था आपका 2 रुपए से लेके 7 रुपए। लेकिन दिसंबर 2021 से लेके जनवरी 2022 तक इसमें कुछ ऐसा होता है कि शेयर प्राइस 7 रुपए से बढ़ के आपका हो जाता है तकरीबन 33 रुपीज का। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें ऑपरेटर की एंट्री हुई और उन्होंने स्टॉक प्राइस को क्या कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया। देन दोबारा से शेयर प्राइस फॉल करता है और वही आपका कितने रुपए, 6 से 7 रुपए आ जाता है। इसी तरह से आप देखोगे दूसरी कंपनी में तरनी इंटरनेशनल, आप देखोगे शेयर का जो करंट प्राइस था वो था 2022 में 5 रुपए, जो इंक्रीज होते हुए सितंबर 2023 में 6 रुपए के आसपास ही था। लेकिन दोबारा से इसमें ऑपरेटर्स की एंट्री होती है और ये शेयर प्राइस बढ़ के हो जाता है आपका 17 रुपए, और दोबारा से अब शेयर प्राइस 8 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। नेक्स्ट उसमें देखिए SRM एनर्जी, आप देखोगे शेयर प्राइस पिछले, अगर आप इसे ऑल टाइम इसका चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, 2008 में शेयर का प्राइस था 3 रुपए। लेकिन आपको बताया 2008 में क्राइसिस आया था, लेकिन उसके बाद जो शेयर प्राइस ने जंप किया वो चला गया 62 रुपीज का। हाउ इज दिस पॉसिबल? 2-3 रुपए का शेयर प्राइस आपका 62 रुपीज चला जाता है और दोबारा से वही शेयर प्राइस 10 रुपए आता है और फिर से वापिस जाता है तकरीबन 44 रुपए और दोबारा से वापिस आ जाता है 4 रुपए पे। सारा का सारा ऑपरेटर द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है, जिसमें कि आती है उजास एनर्जी, जो उसका शेयर प्राइस 2 रुपए, जिसमें कि अब तो ट्रेडिंग भी बंद हो चुकी है। तो आपको समझना चाहिए पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके आपको मल्टीबैगर रिटर्न तो मिलेंगे, लेकिन इससे आपके रिस्क के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब सवाल यह आता है कि अगर हम इन पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट ना करें तो हमें कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं हमारे लिए, क्योंकि हमें रिटर्न बना के देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज साथ ही में अडानी ग्रीन एनर्जी ने बना के दिए हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा आपके लिए मेरे जो टॉप 7 पिक्स हैं, सेगमेंट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ना तो पेनी स्टॉक्स हैं और ना ही किस तरह से इतने लार्ज कैप कंपनीज, जिनमें की पोटेंशियल भी है लार्ज कैप बनने का। तो कौन से हैं वो 7 कंपनीज और 7 स्टॉक्स, तो चलिए देखते हैं। जिसमें अगर मैं शुरुआत करूँ पहली कंपनी की, तो ये कंपनी यहाँ पे काम करती है विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने की। जब देखो विंड एनर्जी का नाम आता है तो हमारे माइंड में सबसे पहले एक ही नाम आता है और वो आता है सुजलोन शेयर, आपको पता ही है। लेकिन मैं यहाँ पे सुजलोन की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे किसी और कंपनी की बात कर रहा हूँ।
आप देखोगे कि यहाँ पे इस कंपनी का जो मार्केट कैप है तकरीबन 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एक मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करने वाली कंपनी है जो कि अभी क्या कर रही है, ग्रोइंग फेज में काम कर रही है। कंपनी की जो सेल्स है वो कंटिन्यूसली हमें बढ़ते हुए देखने को मिली है, क्योंकि इसे पिक करने का एक सबसे इम्पोर्टेंट रीजन था। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें काफी इंटरेस्टिंग दिखता है, जिसमें कि FIs और DIs ने अपनी एंट्री को इंक्रीज किया है सितंबर क्वार्टर में, जिस तरह से कंपनी परफॉर्म कर रही है। और अगर मैं इस कंपनी के नाम की बात करूँ तो इस कंपनी का नाम है दोस्तों आयोनिक्स विंड लिमिटेड, जिसका करंट शेयर प्राइस ट्रेड हो रहा है 344 रुपीज के आसपास में। और अगर मैं दूसरी कंपनी की बात करूं तो दूसरी कंपनी भी हमारी सेम सेगमेंट से बिलोंग करती है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी पे यहां पे काम करती है और विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी पे काम करती है। और अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा तकरीबन 1312 करोड़ का मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, वैल्यूएशन के बिहाफ पे भी काफी अच्छी है, और सारे के सारे इसके फंडामेंटल कंपनी के काफी अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी अच्छी रखती है, जिसमें FIs तक की यहाँ पे क्या है, होल्डिंग है, जो कि एक पॉजिटिव चीज है, जिस वजह से हमने इसे पिक किया है। और अगर मैं इस शेयर के नाम की बात करूँ तो इस शेयर का नाम है यहाँ पे कैपी एनर्जी लिमिटेड, जिसका करंट शेयर प्राइस ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट 600 रुपीज के आसपास में। नेक्स्ट कंपनी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कंपनी आती है हमारी, जो कि यहाँ पे सोलर एनर्जी पे फोकस कर रही है और सोलर एनर्जी पे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे एक्सपेंशन कर रही है, इसकी प्रोडक्शन को, इसकी ग्रोथ को और बढ़ाने के लिए। और अगर आप इस कंपनी का यहाँ पे मार्केट कैप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कंपनी का जो मार्केट कैप है तकरीबन 200 करोड़ का है, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी है, जिसमें पोटेंशियल है कि फ्यूचर में ये डबल से भी आपको यहाँ पे 10x या यहाँ तक कि 100x भी हो सकती है। वैल्यूएशन के बिहाफ पे भी आप देखोगे तो एक फेयर वैल्यूएशन है, ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन नहीं है। साथ ही में अगर आप सारे के सारे इसके फंडामेंटल उठा के देख लीजिए, आपको कहीं पे भी कोई इशू इसमें देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखेंगे तो वो भी काफी कांस्टेंट बना हुआ है स्टार्टिंग से लेकर, जिसमें प्रमोटर्स एंड पब्लिक जिनकी होल्डिंग पहले से इसमें बराबर बनी हुए आती हुए देखने को मिली है। और अगर मैं इस कंपनी के नाम की बात करूं तो इस कंपनी का नाम है दोस्तों यहाँ पे दोडायक एनर्जी लिमिटेड, जिसका करंट शेयर प्राइस टाइम पे ट्रेड हो रहा है 144 रुपीज, यानी ऑलमोस्ट 150 रुपीज के आसपास पे। अगर मैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ बढ़ूं दोस्तों, तो नेक्स्ट कंपनी भी सेम सेगमेंट में बिलोंग करती है, जिसका यहाँ पे मेन फोकस है सोलर एनर्जी पे। और ये कंपनी सोलर एनर्जी सेगमेंट में बहुत ही तेजी से यहाँ पे काम कर रही है और ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंशन करते हुए में देखने को मिल रही है। और अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा तकरीबन 4,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप कंपनी रखती है, वैल्यूएशन के बिहाफ पे भी काफी अट्रैक्टिव लगती है। साथ ही में आप देखोगे इसके फंडामेंटल काफी अट्रैक्टिव आपको देखने को मिल जाएंगे, और कंपनी के जो डिविडेंड यील्ड है वो भी है तकरीबन 0.03 का, जो कि एक पॉजिटिव चीज है। यानी फंडामेंटल्स भी कंपनी के अच्छे हैं, बैलेंस शीट भी मुझे ओवरऑल कंपनी की अच्छी देखने को मिली है। साथ ही में यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मुझे काफी अच्छा देखने को मिला है, जिसमें कि FIs ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज भी किया है, जो कि एक पॉजिटिव चीज है। और अगर मैं इस कंपनी के नाम की बात करूँ तो इसका नाम है दोस्तों यहाँ पे KPI एनर्जी लिमिटेड, जिसका करंट शेयर प्राइस स्टैम्प ट्रेड हो रहा है 1100 रुपये के आसपास के। अब देखो बहुत सारे लोग इस कंपनी को इग्नोर कर देंगे जस्ट बिकॉज ऑफ करंट शेयर प्राइस, आपको देखने को मिलेगा 1100 रुपये का। लेकिन आप अदर फैक्टर भी तो देखिए, मार्केट कैप 4,000 करोड़ का, यहाँ से भी कंपनी पोटेंशियल रखती है डबल होने का, डबल भी नहीं मैं कहूँगा 10x होने का, यानी सीधा सीधा कंपनी यहाँ से 40 से 50 हज़ार करोड़ की भी हो सकती है। तो आप उस हिसाब से यहाँ पे देखिए, आपको करंट शेयर प्राइस नहीं दिखना, आपको देखना है मार्केट कैप, आपको देखना है वैल्यूएशन, कंपनी रिटर्न जनरेट कर पा रही है नहीं कर पा रही है। सभी चीजों को एनालाइज करने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि कंपनी का शेयर प्राइस ज्यादा है या कम है, तो इस चीज को मत इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट कंपनी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कंपनी भी हमारी सिक्स सेगमेंट से आपको बिलोंग करने में मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट काम करती है। जितने भी जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली जितनी भी कंपनीज है, आपको पता है कि सोलर एनर्जी के लिए हमें कुछ सोलर पैनल चाहिए होते हैं, उन सोलर पैनल के लिए स्पेशल ग्लास बनता है, और साथ ही में उन ग्लास में अलग अलग तरह की वैरायटी होती है, वो सारा का सारा काम करती है ये कंपनी। यानी अगर आपको सोलर पैनल चाहिए तो वो आपको ये कंपनी बना के देगी दोस्तों। अगर मैं इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करूं, तकरीबन 5000 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। साथ ही में अगर आप इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे, जिसमें आपको FIs, DIs, पब्लिक सबकी आपको होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और अगर मैं इस कंपनी के नाम की बात करूँ तो इस कंपनी का नाम है दोस्तों यहाँ पे बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी, जिसका करंट शेयर प्राइस टाइम पे ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पे 440 रुपीज के आसपास पे। आप इसका चार्ट पैटर्न भी देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि इस शेयर में कितनी तेजी हमें देखने को मिली है पिछले 5 साल में, या मैक्सिमम चार्ट पैटर्न पे आप देखेंगे तो आपको ये चार्ट बहुत ही अलग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कंपनी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट कंपनी आती है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर से। हालांकि आपको पता है रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, लेकिन दोस्तों जहां भी रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो, जहां भी कुछ भी कोई भी इन्वेस्टमेंट की बात हो, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनना जरूरी है। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर आपको विंड एनर्जी का यूज़ करना है तो आपको पहले उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। जो कौन कंपनी करेगी? ये कंपनी करेगी दोस्तों। तो इसके लिए आप इस कंपनी को भी रडार पर रख सकते हैं, जिसका मार्केट कैप है तकरीबन 2400 करोड़ के आसपास का। वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव आपको देखने को मिल जाएगा। आप इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको दिखेगा कि प्रमोटर की होल्डिंग तो कांस्टेंट बनी हुई है, लेकिन एफआईज और डीआईज की होल्डिंग इंक्रीज होते हुए देखने को मिली है, जो कि पॉजिटिव चीज होता है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी स्टॉक्स के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी हमें देखने को मिली है। और अगर मैं इस कंपनी के नाम की बात करूँ तो इसका नाम है दोस्तों यहाँ पे डीएफ यूटिलिटी लिमिटेड, जिसका करंट शेयर प्राइस ट्रेड हो रहा है इस समय ऑलमोस्ट 650 रुपीज के आसपास पे। तो दोस्तों ये तो हुई वो सारी 6 कंपनीज जो कि मल्टीबैगर बन सकती है। लेकिन देखो, हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें ऐसे स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट करना ही है क्योंकि हमें मल्टीबैगर रिटर्न देंगे, लेकिन हमें कुछ ऐसे स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिसमें हमारा रिस्क ना हो, जो कि कॉन्स्टेंट रिटर्न दे लेकिन हमें लॉस ना होना दी। इसीलिए मैंने जो एक कंपनी पिक है जो कि अच्छी खासी मार्केट कैपिटलाइजेशन रखती है और जो कि फ्यूचर में आपके लॉस को रिकवर करेगी, आपको लॉस नहीं होने देगी, जो कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी एक इम्पोर्टेंट एंड पॉपुलर ग्रुप से ये कंपनी बिलोंग करती है। आपका रिन्यूअल एनर्जी, ईवी, हर एक सेगमेंट में काम करती है और पॉपुलर कंपनी है। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे टाटा पावर लिमिटेड के बारे में। करंट शेयर प्राइस यहाँ पे ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट 300 रुपीज के आसपास में। अगर इस कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हैं तकरीबन 1,00,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, तो आप एक ऐसी कंपनी को जरूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए जो कि आपके कैपिटल को सिक्योर करेगी। अदरवाइज आप ऐसी कोई भी कंपनी पिक कर सकते हैं क्योंकि इन कंपनी में पोटेंशियल है कि मल्टीबैगर बनेंगे। हालांकि जैसे टाटा पावर है, मल्टीबैगर नहीं बनेंगे लेकिन आपके रिस्क को मैनेज करके रखेगी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लेते आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए अब गुस्सा एग्रो।